एक दूजे के वास्ते। कमाल कर दिया यार राजेंद्र, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने कर्नल साहब घर आए हुए मेहमान मेरे दोस्त के साथ इतनी बदतमीजी की। भाई साहब मैं भी तो भरा बैठा था और आपके दोस्त के फादर ने क्या मुझे कम जलील किया है? बकवास मत कर यार, ब्रिगेडियर साहब की उम्र का लिहाज करो, अगर उन्होंने तुमसे कुछ कह भी दिया तो तुम उसे छोड़ देते ना, जाने देते। हमेशा यही क्यों जाने दे, वो दोस्त है ना आपके, अपने दोस्त को कहिए ना कि वो अपने पिताजी को समझाए, हरकतें देखिए उनकी, वो भी कम नहीं है। तुम्हीं ने इसको सर पर चढ़ा रखा है, इसको अकल देने की बजाय तुम उस परिवार के पीछे पड़ी रहती हो, पड़ी रहती हो। मुझे पीछे पड़ना बंद कर देना, मैंने आप उनका पक्ष लेना बंद कर दो ना। बस बस क्या, हमेशा हम ही बस करें। कर ले बस। भाई साहब आप सही कह रहे हो, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज भाभी को मत डांटिए, हम एक काम करते हैं, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। सॉरी भाभी। आई एम सॉरी भाभी, सब कुछ करने के बाद आई एम सॉरी कहता है, बदतमीज। सॉरी भाभी, इनकी वजह से आप दोनों के। हमको भी सॉरी दे दो जी। हाँ अब तुझे क्या हुआ है? वो सभी मांग रहे थे तो हमने सोचा कि हम भी। इधर वो गुस्सा है, उधर राजेंद्र उदास है, और गलती जिसकी है माफी तो ना उसे ही मांगनी चाहिए। किसको मैडम जी? श्रवण ने नहीं बोला था बंटी को माफी मांगने के लिए, श्रवण झूठ बोल रहा था, जो किया बंटी ने खुद किया। पर बंटी को भी तो पता ही होगा ना कि श्रवण को माफी मांगनी है, इसीलिए तो बोला होगा, वरना दोनों परिवार के बीच में बंटी क्यों कूदेगा यार? क्या तू उसकी साइड और हमारे घर में जासूसी करना, तेरे हिसाब से तो उसमें भी कोई अच्छा इरादा होगा, है ना? अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं होगा, मजाक कर रहा होगा यार सुमन, तू इतना तो जानते ही अपने बड़ी को। उठा ले, इस बार खुद सॉरी बोलने के लिए फोन किया होगा। ओ हाँ मिया, सुमन इसी वजह से इतनी फुर्तीली है ना, हैं? किस बात से? अरे जीरा जीरा बात से, दूर भागने की प्रैक्टिस करने से। वाह मिया सही है। अरे दिमाग तो लगाओ, सुमन का फोन नहीं लग रहा तो हमारे कंचा मतलब कंचा चीना को ट्राई कर लियो ना। हाँ ये तो सोचा ही नहीं यार। अच्छा अरे तुम्हारा जब कॉल हो जाए ना तो नंबर ही पास कर देना, वो क्या है ना पटने पटाने को टेम लगता है जो बहनों को। मजा मजा मजाक लगा रखा है क्या, अब मुझे फोन कर रहा है? मुझे बात नहीं करनी उससे। ठीक है जा मत कर, मैं बात कर लेती। तूने बात करी? फोन दे। फोन नहीं दूंगी। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही बहन? सुमन की बहन हमारे नहीं। एक बार फोन उठा ले तो बताऊं ना इन्हें, ऐवे इतना गुस्सा हो रही है, दूरबीन से इतनी सी भी हद पार नहीं की मैंने। पर एक बात बता, माफी तूने मांगी? फीलिंग तो मेरी थी ना भाई। आ चिल्लाया क्यों ये गधा? हेलो हेलो श्रवण, तुम ठीक हो? हेलो मम्मा, ये क्या कर, मम्मा झाड़ू। बहुत हो गया लाड प्यार, बहुत हो गया। मम्मा झाड़ू क्यों मार रही हो, मम्मा लग जाएगी। मम्मा आंटी पिटाई करी है शॉट की। इसके बेटा मम्मा क्या हुआ, मत मार क्यों क्या बोलती है बहन, ताका झाके का बदला लिया जाए अभी इसी वक्त। बंटी चप्पल दे, मैंने कहा चप्पल दे। नहीं बंटी नहीं, तूने चप्पल नहीं दी ना, इस घर में कभी नहीं आने दूंगी तुझे। नहीं लग गई, मेरी हंसी नहीं रुक रही। उसको चप्पल खाते हुए देखकर ना अलग ही मजा आ रहा है। बंटी की शक्ल दिखा।
आप हमको बताइए, हमें ना हम समझा देंगे हमारे मियां को। पक्का पता है इसको कि दोनों के बीच में ये भी पिसने वाला है। तेरा दोस्त है ना, तेरी माँ के हाथ में चढ़ जाएगा आज। हाँ ठीक है, ले लो। क्या कर ऐसा लग रहा है कि मेरे हिस्से का गुस्सा ना आंटी उस पे निकाल रही है। बाकी में बेटर फील हो रहा है। सोमन, कंचन, अरे इतनी खिखी, क्या हो गया तुम दोनों को? अरे कुछ नहीं मम्मी, मैंने ना ऐसे जोक सुना दिया, पर इसे तो कुछ ज्यादा ही फनी लग गया। बाप को तो पता ही है ना मैं कितनी फनी हूँ। कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, चलो नीचे, बहुत लेट हो गया है, भौजी को गुस्सा आने वाला है, जल्दी आओ। असली मजा क्या होता है अब मैं इसे कल क्लास में बताऊंगी। कामिया, तेरे को पता चल गया यार, रिस्क में हो तो योगी बन जाओ, यार के मां गुस्से में हो तो सुमड़ी में घुस जाओ। रो क्यों रहे हो मम्मा? झाड़ू चाहिए? मारो ना मम्मा, रो क्यों रहे हो? अरे नहीं चाहिए, ये तुझे मना किया था ना, मना किया था ना उस घर में मत जाना, तू सुनता क्यों नहीं है मेरी बात? आपने तो कहा था मम्मा वो लोग यहाँ पे आए, तो आए ना यहाँ पे। आए तो आए, लेकिन सेपा जो करके गए उससे क्या करूँ? बोल, तेरे चाचा ने उनको सुना दिया और तेरे पापा ने तेरे चाचा को, पता है तुझे तेरे पापा ने मुझसे लड़ाई भी कर ली है कितनी जोर से। चाचू ने विजय अंकल को सुनाया? अरे ऐसा कुछ नहीं कहा, बस सलाह दी थी कि बीबी को तीर्थ यात्रा पे भेज दे, उनका दिमाग ठंडा हो इसलिए दिमाग पूजा पाठ में लगवाएं। और क्या? 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 क्यों? तू ना शर्म नहीं, नहीं मम्मा, शर्म नहीं आती है तुझे? तेरे चाचू और पापा में अनबन हो गई है तुझे उसकी नहीं पड़ी, लेकिन वो ना पड़ोसियों की पड़ी है, पड़ोसियों का नाम आते ना मुंह खुल गया तेरा। तेरी भी ना अपने पापा जैसी आदत है, बस उनकी चिंता करते रहते हो। शबन, शबन मैं बता रही हूँ सारी की सारी तेरी गलती, तेरी वजह से हो रहा है ये सब। रो मत ना मम। अच्छा मैं वादा करता हूँ आज का तो कभी नहीं बुलाऊंगा उन्हें। मम्मा आपसे और पापा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है मेरे लिए, प्लीज मम्मा। शबन तूने बहुत बड़ी गलती की है, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मिया ये तो बहुत बड़ा वाला कांड होगी, एक तरफ सुमन तुमसे नाराज, दूसरी तरफ उनके बापू तुम्हारे चाचू से नाराज, और ये आंख कैसे नीली पड़ गई? ये आंख तो ठीक हो जाएगी बंटी, पता नहीं सुमो का मूड कितना खराब होगा, या हो सकता है उसे ये सब पता ही ना हो, पर ये सब तो उसके बापू के हाथ में, घर पर जाके बताएं कि ना बताएं? अगर बता दिया ना बंटी तो इस बार बीबी किसी को नहीं छोड़ेगा, खून खराबा मच जाएगा यार मोहल्ले में। टाइम से पहले आने वाले दद्दू आज कहां रह गए? चुप तो बैठेंगे नहीं, सबके सामने मेरा बैंड बजाने का प्लान कर रहे हैं क्या? सुमन को देख के तो कुछ पता नहीं चल रहा, इसे भी पता है कि नहीं? चल ही गया। ओए पीलिया तो सुना था, पर ये नीलिया? ये देखा देखा, ये वो दूरबीन से होने वाली जासूसों की कोई खास बीमारी है क्या? ओएमजी अनीश, ये कोई बीमारी नहीं तो घूसे की निशानी है। ओह अब समझ आया यार, ये आवारा तो था ही, गुंडा भी हो गया क्या? तुझे भी डेमो चाहिए क्या? कितना परफेक्ट निशान,
ऐसे लग रहा है मेकअप करके आया। तो जाके पूछ कहाँ से करवाए। हो ऐसा मजाक तू ही उड़ा ले, मैं नहीं पूछ रही। प्लीज मैं ना फालतू लोगों से बात नहीं करती। श्रवण वैसे तुमने ये मेकअप कहाँ से करवाया? तुम तो बहुत सूट कर रहा है ना इसलिए। चोट का निशान, कल डंबल उठाते वक्त थोड़ा डंबल मुंह आग पे लग गया। विजय अंकल अभी तक नहीं आए, कुछ ना कुछ तो हो रहा है अंदर। सुमो ये तुमसे बात नहीं कर रही, और उसे सुमो बुलाना बंद करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आज की क्लास कर्नल विजय की जगह मैं लूंगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। नहीं मेरा मतलब विजय सर को कोई प्रॉब्लम, मतलब सब ठीक है ना? क्यों कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी? नहीं मतलब शुक्र है कि सब ठीक है, पर मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। हर अब दुश्मन के इलाके में घुसोगे तो कुछ ना कुछ तो लगेगी। एक्टिविटी तुम लोगों को कर्नल विजय सिखाएंगे, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। वर्ल्ड वॉर वन में हमारी फौज का क्या रोल था। ओके okay, तो अब आप लोग जल्दी से अंदर जाइए और शुरू हो जाइए, और याद रखिए इस टॉपिक पे कल टेस्ट होगा, तो बिना वक्त बर्बाद किए आप लोग शुरू हो जाइए। दुश्मन के इलाके में संभल के चला करो श्रवण। इसे पक्का पता है कल के कांड के बारे में, वरना हंस नहीं रही होती। अचानक इतना दर्द कैसे हो गया कि क्लास भी नहीं जा पाए? दवाई लेना भूल गया था। दवाई तो मैंने अपने सामने खिलाई थी आपको। प्लीज सच बताइए, क्या परेशान कर रहा है आपको? तुम्हें मालूम ही है अंजलि, कैंट नहीं जा पा रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ बात। पर फिजियोथेरेपी तो कंप्लीट होने दीजिए, ऐसे जाएंगे तो। आइए पापा। भाई तुम्हारे कैडेट्स को आज का टास्क दे दिया है तो मैं रिपोर्ट करने आया हूं। आप भी ना पापा। भाई अब कमांडिंग ऑफिसर को तो रिपोर्ट करना ही पड़ता है। खैर अब ये सवाल बेटे से है कि फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर कब आ रहा है? आज ही आएंगे। सब ठीक है ना? हाँ पापा। पर मैं देख रहा हूं कि कल जब से मल्होत्रा के वहां से वापस आए हो तो कुछ मुझे लग रहा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ी थकान है बस। पक्का? ठीक आराम करो। जी। इतनी आसानी से परेशान नहीं होता मेरा विजय, पक्का कुछ और बात है। यार ये सुमो गई कहाँ आज? अच्छा हो तो फौज में नहीं गया, अपनी कमजोर आंखों के साथ दुश्मनों पे क्या नजर रखता भी? थैंकू भैया। अरे कोई बात नहीं, अब मैं थैंक यू ना इन लोगों के लिए बचा के रख। अरे इस हेल्प के लिए नहीं भैया, सुमन दीदी से रेड ड्रेस दिलवाने के लिए। मैंने तो कुछ नहीं दिलाया। दीदी ने तो बोला कि रेड ड्रेस गर्लफ्रेंड को देना और थैंक यू सरवन भैया को देना। थैंक यू मुझे रेड ड्रेस। क्या यार पड़ोसी, टाइम पे आके हरा दिया ना मुझे, और उसे देखो अपनी फेवरेट रेड ड्रेस बचा के कितनी खुश लग रही है, सब तुम्हारी वजह से। ओ तो वो ड्रेस सुमन ने मेरी वजह से जीती थी।
गुस्सा आया तो तुझे दे दी। गिर गई थी। मैं वो सुनो वो इतनी नाराज कैसे रोकूं, कैसे बताऊं कल वाली बात? क्या करूं यार, बताना तो जरूरी है सुमो को, और भूख भी लग रही है। सही है ना, कुछ खा लेता हूं, पेट भरा होगा तो दिमाग अच्छे से चलेगा। मम्मा भूख लगी है यार, कुछ खाने को दे दो। तो क्या करूं, निवाले तोड़ के तेरे मुंह में डालूं क्या? खाना बना हुआ है, खुद उठा के खा लो। एक तो ये मम्मा और दूसरी वो सोमो, दोनों ही जैसे अपनी बात बोली और निकल लिए, पर है तो अपनी, मनाना पड़ेगा दोनों को किसी तरह यार, कुछ तो करना पड़ेगा। पहले से बहुत सुधार है कर्नल साहब, आज के सेशन के बाद लग रहा है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, आपके एफर्ट से ही हो रहा है सब। अरे नहीं, बस एक्सरसाइज और दवा के साथ साथ ध्यान रखिए कि आपको खुश रहना है, फिर रिकवरी और तेजी से होगी। जी थैंक यू डॉक्टर। दादू पापा परेशान नहीं लग रहे आपको? नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, और चोट की वजह से बीच बीच में कुछ हो जाता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। सुमन आना जरा काम। जी चोट और फौज तो नहीं है, कुछ चोरी है विजय के दिमाग। अभी नहीं यार, सुमो को ना बताने वाला ऑप्शन तो तू छोड़ ही दे भाई। अरे मिया जरा खोपड़ी चलाओ, जब बुजुर्गवार और समझदार कर्नल साहब ने कुछ नहीं बताया तो तुम क्यों बीच में कूद रही हो है? अबे हमारे पापाओं की बात है, बीच में तो हम दोनों पहले से ही हैं। हाँ तो कूदे रहो बीच में और खो दियो लड़की को। अबे जरा दिमाग तो लगाओ, एक तो वो पहले से ही गुस्सा है, ऊपर से चाचू की हरकतों के बारे में कहीं पता चल गया और वो कहीं और गुस्सा हो गई, तो अपना दिल तोड़ने से कैसे रोकोगे मिया? दोनों पापाओं को दुखी देख के दिल तो पहले से ही टूटे हुए हैं, इससे अच्छा तो मैं सच ही बता देता हूँ सुमो को, क्या पता मेरा साथ दे दे वो। बट यार बंटी, उसके लिए मुझे सिर्फ सच बोलना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है, तो फिर ले लो माता रानी का नाम और गरज पड़ो। ठीक है अरे सुमन, सुमन फोन उठा लूंगा तो लड़ेगी। दादू आप फोन को ना छिड़ा करिए, मैं बड़ी हो गई हूं। क्या सुमो सुमो एक सेकंड फोन मत काटना प्लीज, बड़ी हिम्मत करके बता रहा हूं, बात कर्नल अंकल के बारे में, प्लीज प्लीज सुन लो। एंड सुमो ये बात ना घर पे किसी को मत बताना, स्पेशली दद्दू को। देखो सुमो मैं ये सब बताने से पहले ही तुमसे माफी मांग रहा हूं, कल जब अंकल हमारे घर आए ना तो चाचू ने अंकल को दद्दू का बहुत गलत बोल दिया था यार, एंड अंकल ने वो सब दिल पे ले लिया, एंड शायद इसीलिए आज वो क्लास में भी नहीं आए। आपने बुलाया? नहीं जी। दद्दू को तीर्थ भेज दो, पूजा पाठ करवाओ, उनकी उम्र हो गई है, इससे उनका दिमाग शांत हो गया, ये सब नहीं बोलना चाहिए था।
क्योंकि ये सब गलत है। एंड सुमो इन्हीं बातों से अंकल परेशान हो गए उस दिन। एंड देखो सुमो, चाचू की तरफ से मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि उसी दिन ना सोसाइटी से लेटर आया था यार हमारे घर। एंड वो लेटर पढ़ के चाचू को थोड़ा हर्ट हुआ तो बस गुस्से में ये सब बोल गया यार। सुमो मैंने तुम्हें सब सच बता दिया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। अब तुम जो कहोगी ना हम वो कर लेंगे। बस घर पे किसी को मत बताना ये प्लीज। हेलो अबे बड़ी अजीब लड़की यार, पूरी बात सुनी मेरी और कुछ बोला। कोई आसपास खड़ा हो उसके तब भी नहीं बोली कुछ। हाँ स्मार्ट है यार। यार बंटी ऐसा लग रहा है जैसे छाती से पत्थर उतर गया हो मेरे। वाह मिया, अब तो सुमन भी तुम्हारे साइड में और बीबी तक दबा जाएगी। नहीं हाँ यार, अगर बीबी को ये पता चल जाता ना तो भाई धमाका होता, और छोटा मोटा धमाका नहीं, सीधा एटम बम फटता घर पे। अपने घर बिठा कर ये सब सुनाया उसे, इतना परेशान कर दिया कि दो दिन से मैंने उसे हंसते हुए नहीं देखा है। छोड़ूंगा नहीं इन मल्होत्रा को। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.